फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है रात के 8 और आज है 10 अक्टूबर और आज है इंद्रा एकादशी। तो आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आई हूँ किचन में लाला का भोग तैयार करने के लिए, भोग प्रसादी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल लिया है देसी घी और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। तो जीरा थोड़ा चटक जाएगा तो मैंने यहाँ बनाया हुआ है टमाटर और मिर्च का पेस्ट। यहाँ पे इसमें सिर्फ टमाटर मैंने डाला है, हरी मिर्च बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हो गया तो इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूँगी। इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है। मैंने पेस्ट डाल लिया है और यहाँ मैंने लिया है, ये मैंने लिया है आटा। और ये किस चीज़ का आटा? ये है कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा। और इसको मैं मिला लूँगी और इसमें मैं डालूँगी सिर्फ एक आलू। तो इसे मैश कर लूँगी हाथ से। हाथ से मैश करने के बाद फिर इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं गूंथ लूँगी, फिर इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ छानूँगी और फिर इसको भी बना लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा आलू डालेंगे, इसमें आलू मैंने कट करके रखा हुआ है तो इसमें डालेंगे। फिर भोग बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे थाली लगा के फिर मिलती हूँ। थाली बन के तैयार है तो मैं जा रही हूँ उनको भोग लगाने। भोग लगा देंगे हम लोग। आओ भोग लगाओ मेरे रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे रसिया। खा लीजिए केशव जी, भोग लगा लीजिए। हमारे लालों को पूरी सब्जी बहुत पसंद है, बहुत मन से खाते हैं पूरी सब्जी। लाला ने जो है कि भोग पा लिया है, अब मैं उनको दूध दे देती हूँ। मैं दूध उनको पिला देती हूँ। तो लाला को मैं भोग दूध पिला दे। तो यहाँ गुड़ का बहुत महत्व है तो आज मैं उनको गुड़ जरूर खिलाऊंगी। लाला ने दूध पी लिया है, अब उनका सोने का बंदोबस्त करेंगे। और ये दूध मैं अभी 10 मिनट यहीं रखी रहूँगी, लाला पी लेंगे तो फिर मैं हटा लूँगी यहाँ से। लाला ने दूध पी लिया है, इधर मैं लाला को सुला दे रही हूँ। तो लाला ने दूध पी लिया है तब चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। तो चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हे टू फैमिली गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने लाला को जगा दिया है, मिल रही हूँ मैं आपसे सुबह के टाइम। आज 11 तारीख और लाला को पिला देंगे पानी। लाला के लिए गरम गरम दूध आ गया है। लाला को जब भी आप लोग दूध पिलाएं तो ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, बस हल्का गुनगुना ही रहना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। लाला को दूध पिला दिया है मैंने, फिर इनको नहलाएंगे, इनका स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। चलिए तो स्नान करा कर पूजा करके मिलते हैं आपसे, राधे राधे। मैं कर लेती हूँ तुलसी माँ की पूजा।
दोस्तों इधर मैंने पूजा कर ली है, इधर मेरी पूजा हो गई है, तो लाला के आप लोग दर्शन कर लीजिए। इनको तो जितना ही देखूं मन ही नहीं भरता है। ये देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं केशव जी, राधे राधे। तो इधर माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए, शेरा वाली माता की जय। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। अब लाला के घर में भोग प्रसादी बनाऊँगी, लाला का नाश्ता कराऊँगी। तो चलिए लाला के लिए नाश्ता बनाते हैं। तो लाला के लिए चलिए नाश्ता बनाते हैं। तो इधर मैंने सोक करके रखा था ओट्स दूध में, इसमें हल्की सी चीनी है, तो इसको थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से। तो उसको अच्छे से ऐसे करके मिला लेंगे, फिर उसको जो है कि यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे यहाँ पे। और जो है कि इसमें मैं मिक्स करूँगी ये अनार है, ये छोटा छोटा मैंने एप्पल काट रखा है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक मैंने काटा है, क्योंकि वो बच्चे हैं वो खा नहीं पाएंगे बड़ा बड़ा। तो इसमें मैं यहाँ मिक्स कर दूँगी, एप्पल को मैं यहाँ ऐसे कर दूँगी। इधर मैंने एप्पल डाल दिया है पूरा, और इधर डाल देंगे अनार, मैंने कट करके रखा हुआ है पूरा सेव अनार। तो इधर मैंने अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ऐसे हल्का सा। ये हेल्दी भी होता है और लाला अच्छे से खा भी लेंगे नाश्ता में। इधर मैंने मिक्स कर दिया है सारा। तो चलिए उनको भोग लगा देते हैं। तो ये है लाला का नाश्ता, बनके तैयार है। तो चलिए लाला को नाश्ता कराते हैं। तो गाइस लाला को मैंने यहाँ बैठा दिया है, अब इसमें डालेंगे तुलसी पत्र, अब लगाएंगे लाला को भोग, यम्मी यम्मी सा। भोग लगा लो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन कि सब अमृत हो जाए। लाला इसे अपना भोग प्रसादी पा लेंगे। तो चलिए लाला को ये 10 मिनट ये भोग यहाँ रहेगा, फिर मैं उठा लूँगी यहाँ से। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, करीब 1 बज रहा है घड़ी में, और अभी मैं लाला को लंच करा दूँ। लाला का भोग थाली तैयार है, और इधर इनकी बंसी हटा देती हूँ, इनकी बंसी हटा दूँगी, और इधर सब मैं तुलसी पत्र डाल दूँगी यार सारे में। बिना तुलसी पत्र का लाला भोग नहीं लगाते हैं। तो इधर मैंने डाल दिया है तुलसी पत्र, हम लाला खाएंगे अपना भोग। तो मैं लाला को खिला दूँगी। भोग लगाइए मोहन, भोग लगाओ मेरे प्यारे मोहन। तो लाला को मैं खिला दूँगी सबको। अभी हम लोग को दोस्तों निकलना भी है मार्केट के लिए, तो अभी हम थोड़ी देर में हम लोग मार्केट भी निकलेंगे। कुछ सामान लाना था, छोटा मोटा सामान लाना था, तो अभी मैं जाऊंगी, मैं और हस्बैंड जाएंगे लेने के लिए। ज़्यादा सामान नहीं लेना है, कुछ और काम है, टेलर का भी काम है, कुछ कपड़े वगैरह देने थे और कुछ सामान लाने थे। तो बस अभी मैं निकलूँगी थोड़ी देर में, तो वहाँ से लौट के आती हूँ, तो फिर आपसे बात करूँगी। लाला को पानी पिला दूँगी। इधर धूप बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप हो रखा है, लेकिन ज़रूरी था तो जाना है। तो चलिए लाला अपना वो प्रसादी यहाँ 10 मिनट में रखूँगी, फिर उसके बाद मैं जो यहाँ से उठा लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी मार्केट। चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट, मार्केट से आते फिर मैं आपको दिखाती मैंने क्या क्या लिया था। चलिए हम लोग आ गए घर, तो पहुंच गए हम लोग घर, चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। दोस्तों गए थे हस्बैंड अभी मॉल, तो वहाँ से कुछ सामान लाना था, तो मैंने मंगवाया है ये कोकोनट वाटर,
मैंने इस चीज़ से मंगवाया है कि बार बार संभव नहीं हो पाता मार्केट जाना, तो मैंने इसे मंगवा लिया है। तो इसे पीना चाहिए, तो मैंने 3 बोतल मंगवाया है यहाँ पे। तो ये लेके आए 3 बोतल, और ये अनार का जूस, तो ये भी मंगवा लिया गया है। और बच्चों का बोतल बार बार सब, या तो स्कूल में सब हिरवा देंगे या तो फिर जो है कि तोड़ के आएंगे स्कूल में से। तो 2 मैंने मंगवाया है मिल्टन का बोतल, तो ये बोतल हो गया स्कूल ले जाने वाला, और इसको मैं साइड कर देती हूँ। और ये है बस, ये सरफ है डिटर्जेंट, तो बस इतना ही आया है। तो चलिए बाद में मिलते हैं। आज शाम को 5 बज गए हैं, शाम हो गई है, तो मैंने लाला को जगा दिया है। अब लाला को भोग लगाएंगे, उनकी बंसी यहाँ रख देते हैं। तो लाला के लिए मैंने बनाया है गरम गरम पकौड़े और आलू के, तो लाला बताएंगे कि कैसा बना है। बताइए माधव जी कैसा बना है। लाला को भोग लगा देते हैं, केशव जी को भोग लगा देते हैं, मेरे बाबू को, छोटू बाबू को भोग लगा देते हैं। लाला बताइएगा कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने पकौड़े का भोग लगा दिया है, लाला अपना पकौड़ा एंजॉय करेंगे। मैं पानी पिला दूँगी, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भगवान कहते हैं मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, गया दोस्तों डिनर का टाइम। तो मैं लाला के लिए भोग तैयार करती हूँ, हम इनकी बंसी नीचे कर देंगे और इनका टोपी भी उतार देंगे। अब लाला को लगाएंगे भोग। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, व्लॉग अच्छा लगता है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुपर भारत। हो तुम्हें मिलने को कान्हा, तड़पता है दिल, एक झलक ही दिख जाए बस तरसता है दिल। वृंदावन बुला लो क्षमा है ये भावना, हमें तुमसे प्यार है कान्हा, ये बस तुम ही जानते। मगर लागे लगन ना छूटे।